दोस्तों, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी मांग कर रहे थे कि भैया आपके द्वारा वीडियोस नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। बिल्कुल उस चीज़ से हम भी सहमत हैं। आप सभी के लगातार कमेंट आने की वजह से आज मजबूरन मुझे फिर से उसी टॉपिक पर लौटना पड़ा जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अब हम डीएलएड के संदर्भ में वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप सभी के फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहे थे। मेरे कहने का सेंस समझिएगा, आप लोग वीडियो जरूर देख रहे थे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। बहरहाल वो चीजों को छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता होगा कि मुझे यहां से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड होता है तो मैं आशा करता हूं आप सभी जो है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहरहाल उन चीजों को हम नजरअंदाज करते हुए आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे थे और आप सभी फीडबैक अपना नहीं दे रहे थे कि वीडियो अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा है, तो उसी सभी की वजह से वीडियो आपके बीच में नहीं जा रही थी। तो बहरहाल आप सभी ने मांग किया तो आज फिर से मैं उसी टॉपिक पर लौट कर आया हूं। आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे थे जैसा कि यहां देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके लिए संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 94-52-33-10-53। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए होती है डीएलएड के संदर्भ में तो बिल्कुल आप सभी अपनी बातों को कह सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं आप सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित कंटेंट को पोस्ट करें, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में मैंने आज आपको वार्निंग दिया है कि मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल बना है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो बहरहाल इन सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं। आप सभी की कॉल्स आते हैं, मैं आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सभी कॉल ना करें, चूंकि आपके कॉल्स आते हैं रिसीव नहीं कर पाते। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हर किसी मैसेज का रिप्लाई जहां तक हो पाता है दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको पता है, देख पा रहे हैं जो आपके कमेंट आ रहे हैं। आपको पता है आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है, आप इन सभी को देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपके जो सबसे प्रमुख मुद्दा बन रहा था फीस को लेकर, हम इस पर चर्चा करते हैं। आप कह रहे थे कि भैया हमें फीस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है हमारे पास। अगर हम अपनी बात करें तो बहुत सारे कॉलेज से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि भैया आप जो है हमें एडमिशन दे दीजिए। हम देखिए पूरे खुले तौर पर एकदम आपको बता रहे हैं, ठीक है, हमें आपसे किसी भी प्रकार की कमीशन नहीं चाहिए और ना ही कुछ आपसे चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। हमने आपसे कहा कि हमारे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आप हमें एडमिशन दे दीजिए, हम पर एडमिशन पर आपको इतना रुपया देंगे। मैंने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, हमें यह काम बच्चों के साथ नहीं करना है। उनका कहना होता है कि हम आपको 20,000 में जो है एडमिशन कर आप करवा दीजिए, हम आपको उसमें से कुछ कमीशन दे देंगे। देखिए, हम खुद जानते हैं कि पहला चीज़ तो 20,000 रुपया उनकी फीस नहीं होती है, उनकी जो फीस होती है वो 41,000 रुपया होती है, तो वो 20,000 में कैसे करेंगे ये मुझे पता है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि आज आपकी वो 20,000-30,000, कोई 20,000 में कर रहा है, कोई 30,000, जिसका जैसे चल रहा है वो उसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पहली चीज जो प्राइवेट होता है उनकी फीस 41,000 रुपये होती है, 41,000 रुपये जब फीस होती है, अगर वो आज आपसे 20,000 रुपया लेकर एडमिशन कर ले रहे हैं तो बाई दबे खुदा न खास्ता हम मानकर चलते हैं आपकी स्कॉलरशिप ना आई और आपका जो पिछला बैकग्राउंड है आप 20,000 रुपया देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो जब आपका सेकेंड सेमेस्टर बीतेगा, जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आप प्रवेश करेंगे तो तत्काल वहीं आपसे वो फीस की डिमांड करेंगे कि भैया पहले आप अपनी पिछला फीस को सबमिट करिए, उसके बाद हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। तब आपके साथ होगा क्या कि आप कहेंगे कि हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है हम फीस को जमा करें, और आप वहीं धनुआ बाण रख कर आप बैठ जाएंगे कि भैया अब हम डीएलएड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अगर 20,000 में करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे कॉलेज वाले अच्छे भी होते हैं, वो कर भी रहे और करवा भी रहे, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर मानकर चलूं कि 100 में से जो है यह मानकर चलता हूं कि 40 कॉलेज वाले आपसे फ्रॉडबाजी कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज
वाइज आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जहां भी जो है कम फीस में एडमिशन ले रहे हैं, आप खुद समझिएगा हमने आपको आगाह कर दिया है, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। जो लोग 20,000, 25,000, 30,000 में एडमिशन ले रहे हैं, वो लोग बखूबी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आप स्कॉलरशिप बेस पर कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आए, वहीं आके आपकी गाड़ी फंस जाती है। और गाड़ी फंसने पर आपका होता क्या है, या तो आप डीएलएड छोड़ दीजिए या तो आप पूरा पैसा जमा करिए, ठीक है। ये सारे कंडीशंस आपके साथ फॉलो होते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीजों को आप समझ पाए, हम बात करते हैं इस, यह तो आपका क्लियर हो गया। आप कह रहे थे अभी तक कितने आवेदन आए हैं, आवेदन की संख्या फिलहाल के लिए ये गणनाओं को देना पीएनपी का काम है। जब आपकी डेट नहीं बढ़ी थी तो उस वक्त तक आपके यहाँ लगभग 57 से 60 हज़ार आवेदन आए हुए थे। अब इस समय कितने आवेदन आए हैं किसी को नहीं पता है। कोई एक आंकड़ा अगर बता दे 65,000, 70,000 तो वो बात की बात है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बताएं तो किसी को नहीं पता, ठीक है। आप किसी की बातों में बताइएगा, मैं हर चीज आपको एकदम ओपनली बताता हूँ। क्या और आगे डेट बढ़ेगी किसी को नहीं पता है, ठीक है। जो लोग अगर कहें हमने आपको जब पिछली बार आपकी डेट नहीं बढ़ रही थी, लगभग 10 दिन बाद आपकी डेट बढ़ी थी, ठीक है, 10-12 दिन बाद आपकी डेट बढ़ी थी, तो कुछ लोग निराश भी हो गए थे कि अब हमारी डेट नहीं बढ़ी थी, लेकिन हमने आपके साथ लगातार संघर्ष किया, आपके साथ लगातार वादा किया कि भैया आपकी डेट बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसमें ऐसे थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अब डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको विश्वास हुआ, अब आपको लगता होगा कि यहां से हमें कितनी बेहतरीन कंटेंट मिल पाता है, कितना अच्छा कुछ विश्वसनीय चीजें हमें मिल पाती, ठीक है। मैंने हमेशा आपसे कहा था कि डेट 101% बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, और फाइनली हुआ है कि आज 27 तारीख तक आपकी डेट बढ़ी है। उसके संदर्भ में अब आप पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी डेट बढ़ सकती है, अब हम 1% की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आपकी 2 बार डेट बढ़े थे सिर्फ और सिर्फ आवेदन ना आने की वजह से, तो इस बार भी बढ़ सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब की बार बढ़ना बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब आवेदन की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि कितने आवेदन आए हैं, विश्वविद्यालय के रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि कितने विश्वविद्यालयों ने रिजल्ट अपना दिया है। ये सारी चीजें जब ये लास्ट डेट आएगी तो उस समय क्लियर हो पाएगा कि अब वर्तमान की क्या स्थिति परिस्थिति हमारे यहां चल रही है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। हम बात करते हैं कॉलेज को वरीयता कैसे दे। आप कह रहे थे कि हम कॉलेज को लाग करने जा रहे हैं तो वरीयता कैसे देंगे। देखिए, अगर आप प्राइवेट को प्राइवेट से करना चाहते हैं तब तो आप प्राइवेट को ही वरीयता दीजिए। जिस कॉलेज में आप करना चाहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं प्राइवेट से करना चाहते हैं, है ना, तो आप कहेंगे अभी तो फिलहाल आपकी काउंसलिंग हो नहीं रही है, जब होना प्रारंभ होगा तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं आपको प्राइवेट से करना है और प्राइवेट आप अपने घर के पास चाहते हैं, तो आप पहला कॉलेज वही लॉक कर दीजिए। और हम मान कर चलते हैं कि अगर आपको डायट चाहिए और डायट के अनुसार अगर आपकी मेरिट बन रही है, वैसे जब स्टेट रैंक जारी होगी तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं मान कर चलता हूँ कि आप पहले चरण में हैं, ठीक है, और आपने डायट को सभी डायट को लॉक कर दिया और आपको खुदा न खास्ता डाइट नहीं मिला, तो आप अगले चरण में, जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट से ही करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप डाइट को ही लॉक करेंगे। आप अगर प्राइवेट की तरफ जाएंगे, अगर प्राइवेट की तरफ गए तो 100% आपको प्राइवेट मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट डाइट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं रही तो, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही करना है, आपको मैं मानकर चलता हूं कि अगर प्रयागराज डाइट से करना है और अदर डाइट या प्राइवेट नहीं जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज को आप लॉक करिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर करेंगे तो वही आपको मिल जाएगा। मेरिट आपके होनी चाहिए, मेरिट अगर प्रयागराज के लिए है आपके, उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा किस स्थिति में आपको अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी मेरे कहने का सेंस समझिएगा, जिस कॉलेज को आप चाह रहे हैं पहला कॉलेज वही आपका होना चाहिए। अगर आप डायट से करना चाह रहे हैं तो डायट ही रहे, प्राइवेट से करना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट को लॉक कर दीजिए, वो बात की बात है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें तो आप समझ गए। गलत फॉर्म हो गया है तो हम संशोधन कैसे करेंगे, संशोधन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ने ही पीएनपी कह दिया है कि आप संशोधन नहीं कर पाएंगे अपने इस ऑनलाइन जब भी कर रहे हैं, आप जो भी डाटा फिल कर रहे हैं उसी में अच्छी तरह से देख लीजिए आपने क्या फिल किया, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिए। अब आप जानबूझ कर गलती कर दें तो वो बात की बात है। कुछ लोग आज अभी कॉल आया कि भैया हमारे माता पिता का नाम एक हो गया है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा आप फिर से आवेदन कर दीजिए, आपके लिए वही
बेस्ट है, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका जब एडमिशन होने लगेगा तो वहीं आपके लिए समस्या हो जाएगी, भैया माता पिता सब एक हैं, ठीक है, तो वहीं आपकी एडमिशन बच जाएगा और आप एक साल के लिए वंचित रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए कतई ये गलती मत दोहराइएगा। चलिए, यहाँ गेस मार्किंग करके आवेदन करें या ना करें, देखिए गेस मार्किंग का हमने फार्मूला जब आपकी डेट बढ़ी थी तब बता दिया था, लेकिन फिर से आप पूछ रहे थे कि अगर हमारी डेट नहीं जो है अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप रिजल्ट का इंतजार करिएगा, 25 तारीख तक आप 25 जुलाई तक वेट करिए, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो गेस मार्किंग कर दीजिए। मैं मानकर चलता हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ठीक है, एक मैं आंकड़ा मानकर चल रहा हूं, सपोज दैट कि अगर मैं बात करूं तो आपका टोटल तीनों ईयर का 500 पूर्णांक होता है, ठीक है, और 500 नंबर में हम मानकर चलते हैं कि आप टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को मिलाकर आप 400 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप परीक्षा में 400 नंबर पाएंगे, तो आप फॉर्म में जो है फिल करेंगे 400 से कम ही फिल करेंगे, ताकि इतना आपको फिल करना है ताकि जो आपने फॉर्म में फिल किया उससे ज्यादा नंबर आपके रिजल्ट में आ जाए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा गेस मार्किंग में। लेकिन आपने जितना फॉर्म में फिल किया है कहीं अगर उससे कम आ गया तो मानकर चलिएगा कि एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ये गलतियां आपकी हुई तो आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई, अब हम बात करते हैं रिजल्ट अभी तक नहीं आया आवेदन कैसे करेंगे, इन चीजों पर हमने ऑलरेडी आपके बीच में चर्चा कर दिया, रिजल्ट नहीं आया है तो आप 25 तारीख तक वेट करिएगा, अगर 25 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है और आपको लगता है कि अब ये वर्ष हमारा बर्बाद चला जाएगा तो आप गेस मार्किंग कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। अब रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गेस मार्किंग करने से एडमिशन हो जाता है, एक बार एडमिशन हो गया तो आपके लिए लीगल है, अगर नहीं होता नहीं करते हैं तो वो बात की बात है, बट वैसे भी आप बाहर हैं, अगर कर देते हैं तो हो सकता है एडमिशन हो जाए, वैसे हुआ भी है। इस यह सत्र जो आपका सेकंड सेमेस्टर बच्चों का चल रहा है, इसमें हमने पिछली बार जब डीएलएड का एडमिशन हो रहा था तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन मैंने खुद करवाया है गेस मार्किंग का, ठीक है, इस वजह से आप कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है, बढ़ने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, अगर बढ़ने के संदर्भ में कोई भी अपडेट्स निकल कर आती है तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के इस वीडियो से कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप अपने कमेंट को कर सकते हैं, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यार अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी परम धर्म बनता है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।